Hey guys, welcome back to this channel Learn at Ease. Divyanka Sinha और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th एनसीईआरटी बुक का मूवमेंट्स का 6th चैप्टर. सो गेस व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर. यस यू आर राइट, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि चैप्टर का नाम है वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसामा. So, चलिए देखते हैं इस चैप्टर में बेसिकली है क्या. तो मैं आपको इसका एक स्केच दे देती हूँ, ब्रीफ स्केच बता देती हूँ कि इसमें एक यंग मैन होता है जिसका नाम प्रशांत होता है. तो जब स्टॉर्म आ रहा होता है उड़ीसा में, तो वो बेचारे उसे सपने आ रहे होते हैं कि कुछ तो गलत होने वाला है. उस वक्त वो शायद से अपने दोस्त के घर होता है. सो आफ्टर रीचिंग होम वो देखता है कि बहुत ज़्यादा बाढ़ वगैरह की वजह से, बड़ा तूफान की वजह से बड़ी खराबी, बहुत ही ज़्यादा बर्बादी हो गई है. तो ये जो स्टोरी है उसके स्ट्रगल के ऊपर है कि वो कैसे इस सिचुएशन को ओवरकम कर पाता है. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का चैप्टर करते हैं शुरू. वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसामा. द साइक्लोन दैट हिट उड़ीसा इन अक्टूबर 1999 किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड डिवास्टेटेड हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस. तो जो स्टॉर्म या फिर जो साइक्लोन आया था उड़ीसा में अक्टूबर 1999 में, तो उसने हजारों लोगों को मार दिया था या फिर बहुत सारे विलेजेस वगैरह को डिस्ट्रॉय कर दिया था. फॉर टू ड्रेडफुल नाइट्स प्रशांत अ यंग मैन वाज मरून ऑन द रूफ ऑफ अ हाउस. तो बहुत दो दिन तक बेचारा जो प्रशांत है वो मरून करता गया घर के ऊपर वाले हाउस पे. तो क्या होता है यहाँ पे मरून का मीनिंग, ये आप मुझे बताएंगे कॉमेंट सेक्शन में. When the third day he decided to go to his village. अब तीसरे दिन वो जो है वो डिसाइड करता है कि वो अपने विलेज जाए. Did he find his family? तो क्या वो अपनी फैमिली को ढूंढ पाता है. तो यहाँ पे मरून जो है वो उसकी सिचुएशन को बता रहा है कि वो कितना परेशान था कि उसकी फैमिली सही तो है ना कि नहीं है, इसलिए वो दो दिन तक चिंता करता रह गया. तो चलिए आगे देखते हैं. On 27 October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Ershama, a small town in coastal Odisha, some 18 kilometers from his village, to spend the day with a friend. So, October 27 को 1999 में, 7 साल पहले जिसकी माँ की डेथ हो चुकी है, बच्चा वो है, उसका नाम प्रशांत है. तो वो ब्लॉक हेडक्वार्टर्स जो कि शामा के हैं वहाँ जाता है. ये एक जगह है, कोस्टल एरिया है, पास में ही है ये जो गांव है उड़ीसा के पास में, ये बस 18 किलोमीटर दूर है उसके गांव से. ठीक है, वो क्यों जाता है, ताकि वो अपने दोस्त के साथ कुछ समय बिता सके. इन द इवनिंग अ डार्क एंड मेनांसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड. और शाम तक अचानक से एकदम स्टॉर्म जो है वो आ गया. विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेस विद अ स्पीड एंड फ्यूरी That Prashant had never witnessed before. अब जो हवाएं हैं वो इतनी तेजी से घर वगैरह को हिला रही है, ऐसा कर रही है जैसे इतनी स्पीड से आ रही है, इतनी जल्दबाजी में आ रही है, जैसा प्रशांत ने कभी नोटिस नहीं किया था. Heavy and insistent rain filled the darkness. और बहुत तेज बारिश होना शुरू हो गई और उसने डार्कनेस को फिल कर दिया. Ancient trees were. अब जो पुराने ट्रीज है वो भी अप्रूट हो गए एंड क्रैश टू द अर्थ, और वो भी नीचे गिर गए धरती पे. स्क्रीम्स रेंट द एयर एज पॉसिबल पीपल एंड हाउसेस वेर स्विफ्टली वॉश्ड अवे. तो अब सब चिल्ला रहे हैं कि जो भी लोग हैं घर से निकले और वहां से चले जाए, जो भी घर टूट फूट गए हैं. द एंग्री वाटर्स स्पिल्ड इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस नेक डीप. अब जो बहुत ही गुस्से में जो पानी है वो उसके दोस्त के घर तक पहुंच गया, उसके नेक तक आ गया. द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक एंड मोर्टर एंड वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द डिवास्टेशन ऑफ द विंड्स वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर. अब जो बिल्डिंग है वो भी स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत सारी चीज़ों से बनी है, मोर्टर यहाँ पे दिया गया है, ब्रिक्स दिए गए, और वो सर्वाइव कर सकती है विंड की स्पीड को जो कि 350 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है. But the cold terror of the family grew with the crashing of trees that had got uprooted and fallen on their house. लेकिन जो घर के अंदर के हालात हैं वो तो जो इतने पेड़ गिर रहे हैं वैसे तो है ही, उससे भी ज़्यादा ख़राब है. Sometime in the middle of the night, damaging its roofs and walls. और कभी कभी तो रात के वक्त जो है जो हवाएं है बारिश है वो उधर उस घर के रूफ्स और वॉल्स को भी क्या कर रही है, डैमेज कर रही है.
The crazed destruction wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours. और ये जो साइक्लोन का डिवास्टेशन है और 36 घंटे चलता रहा. Although wind speed has reduced somewhat by the next morning, लेकिन फिर भी विंड की स्पीड जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है. To escape the waters rising in the house, Prashant and his friend's family has taken refuge on the roof. अब जो ये पानी जो बढ़ रहा है उससे बचने के लिए प्रशांत और उसके फ्रेंड और उसकी फैमिली जो है वो कहाँ चली जाती है, अपने घर के रूफ पे. Prashant will never forget the shock he experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone. और जो प्रशांत है वो उस devastation को तो कभी नहीं भूलेगा, ठीक है. In the grey light of the early morning, जो कि grey light में उसके सुबह की morning पे देखता है वो, a raging deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see. अब जो गंदा सा पानी हो गया, ब्राउन कलर का हो गया, उस तरीके से उसने शीट फॉर्म कर लिया और जहाँ तक उसकी नजरें देख सकती थी वहां तक उसको बस यही दिख रहा था. Only fractured cement houses still stood in a few places. अब बस कुछ जगह पे जो फ्रैक्चर हो चुके, टूट फूट चुके जो सीमेंट के घर वही बचे हैं. Bloated animal carcasses and human corpses floated in every direction. और एनिमल के carcasses और ह्यूमन के corpses ये सारी जगह पे बह रहे हैं. All around even huge old trees had fallen. और पूरी तरीके से हम देखें तो चारों तरफ से जो बड़े बड़े old trees हैं वो सब भी गिर चुके हैं. Two coconut trees had fallen on their roof of their house. अब दो जो coconut trees हैं वो उनके घर के roof पे गिर गए थे. This was a blessing in disguise. और ये जो था उनके लिए type of एक blessing के रूप में था. Because the tender coconuts from the trees kept the trapped family from starving in the several days that followed. क्योंकि ये जो इतना ज़्यादा cyclone आ रहा है तो family बाहर निकल नहीं पा रही है घर से. तो because of this coconut वो बच गए starvation से, वो भूखमरी से बच गए. For the next 2 days, Prashant sat huddled with his friend's family in the open on the rooftop. अब दूसरे अगले 2 दिन के लिए प्रशांत जो है वो वहाँ अपने दोस्तों के साथ उसकी फैमिली के साथ रूफ टॉप पे बैठा रहा. They froze in the cold and incessant rain. और वो बहुत ही ज़्यादा जम चुके हैं इतनी ठंड में और जो इतनी ज़्यादा इंसेस्टेंट रेन हो रही है इन सब में. द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत्स टीयर. अब जो रेन वाटर है वो प्रशांत के जो आंसू बह रहे हैं उसको भी ख़त्म कर रहे हैं. The only thought that flashed through his mind was whether his family had survived the fury of the super cyclone. अब जो प्रशांत है उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा है और बार बार वही ख्याल उसके दिमाग में चलता जा रहा है कि उसकी जो फैमिली है क्या वो सर्वाइव कर पाई होगी इस सुपर साइक्लोन से. Was he to be briefed once again? तो क्या उसको फिर से ब्रीफ किया जाएगा. तो यहाँ पे ब्रीफ का क्या मतलब है, तो ब्रीफ का यहाँ बेसिकली मतलब है, तो उसका यहाँ पे जो मीनिंग है वो ये है कि क्या उसे फिर से अपने फैमिली वाले या फिर किसी क्लोज फ्रेंड के लिए रोना पड़ेगा. तो ठीक है, आगे देखते हैं. 2 days later, which seems to Prashant like 2 years, the rain ceased and the rain water slowly began to recede. अब 2 दिन के बाद ऐसा लगा प्रशांत को कि जैसे 2 साल बीत गए और अब फाइनली जो रेन का वाटर है वो कम हो गया धीरे धीरे. Prashant was determined to seek out his family without further delay. अब प्रशांत जो है वो बहुत ही ज़्यादा उसको चिंता है तो वो जाना चाहता है जल्दी या उससे बड़ी ज़्यादा कि वो अपनी फैमिली से मिले बिना किसी और डीले के. But the situation was still dangerous. लेकिन सिचुएशन जो थी अभी भी डेंजरस थी. And his friend's family pleaded with Prashant to stay back a little while longer. और जो फ्रेंड की जो उसकी फैमिली है तो वो प्रशांत को कहती है कि तुम थोड़ी देर और रुक जाओ. बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो. लेकिन प्रशांत को तो पता था कि उसको तो जाना है. ही इक्विप्ड हिमसेल्फ विद अ लॉन्ग स्टर्डी स्टिक. और फिर उसने अपने आप को एक बड़ी सी लंबी सी स्टर्डी सी स्टिक से इक्विप कर लिया, उसको ले लिया उसने. एंड देन स्टार्टेड ऑन हिज 18 किलोमीटर एक्सपेडिशन बैक टू हिज विलेज थ्रू द स्वॉलन फ्लड वाटर. और अपनी यात्रा शुरू कर दी 18 किलोमीटर की उस पानी के ऊपर. It was a journey he would never forget. और ये एक ऐसी जर्नी थी जो वो कभी नहीं भूलेगा. He constantly had to use his stick to locate the route to determine
और बार बार उसको अपनी स्टिक को यूज करना पड़ रहा था कि ताकि वो रोड को देख सके और टू डिटरमाइन वेयर द वाटर वाज मोस्ट फुल और ये जानने के लिए कि कहाँ ज्यादा गहरा है पानी. एट प्लेसेस इट वाज वेस्ट डीप एंड प्रोग्रेस वाज स्लो और कुछ जगह पे तो ये बहुत ही ज्यादा डीप थी और जो प्रोग्रेस थी वो बड़ी स्लो थी. एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम और बहुत सारी जगह पे तो उसको रोड मिली नहीं और उसको स्विम करना पड़ा. आफ्टर सम डिस्टेंस ही वॉज रिलीव्ड टू फाइंड टू फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल हु वेयर ऑल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज और कुछ देर के बाद कुछ दूरी के बाद उसे ना बहुत ही ज़्यादा रिलीफ महसूस हुई क्योंकि उसके जो अंकल के दो फ्रेंड्स हैं वो भी वहीं रिटर्न कर रहे हैं उस विलेज में. दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो साथ में मूव करेंगे. As they waded through the waters, the scenes they witnessed grew more and more macabre. और जैसे जैसे वो पानी की तरफ से जा रहे थे तो जो सीन वो देख रहे थे वो ज्यादा से ज्यादा मकाब्र होती गई. क्या यहाँ पे मतलब है मकाब्र का ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी. तो ये जो वर्ड्स जो मैं बोलती हूँ ना आपको कि आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ या फिर जिस वर्ड्स की मैं मीनिंग बता रही हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं. इन सबको आपको क्या करना चाहिए, मार्क कर लेना चाहिए. दे हैड टू पुश अवे मेनी ह्यूमन बॉडीज men, women, children and carcasses of dogs, goats and cattle that the current swept against them as they moved ahead. और उन्हें बहुत सारी जो human bodies हैं उनको push करना पड़ रहा था men, women और children के और जो carcasses हैं dogs के, goats के, cattle के इन सबको भी हटाना पड़ रहा था ताकि वो आगे जा सके. In every village that they passed, they could bravely see a house standing. और जिस जिस village में वो जा रहे थे तो वो देख रहे थे कि बहुत सारे जो हाउस खड़े हैं वो बहुत ही ज्यादा ब्रेवली से खड़े हैं. प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग. अब प्रशांत जो है वो बहुत तेज रोया. ही वाज श्योर दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड देयर कैटास्ट्रोफी और उसको पूरी तरीके से श्योरिटी मिल गई थी कि उसकी जो फैमिली है वो सर्वाइव नहीं की होगी. इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज कलिकुडा. तो अब जो प्रशांत है अब पहुंच गया अपने विलेज में. उसके विलेज का नाम क्या है, कलिकुडा. His heart went cold. अब उसका जो दिल है हार्ट है वो ठंडा पड़ गया. Where their home once stood और जहाँ पे उसका घर था, there were only remnants of its roof और वहाँ पे सिर्फ उसके रूफ के remnants ही बचे हैं. Some of their belongings were caught, mangled and twisted in the branches of trees just visible above the dark water और कुछ जो उसके फैमिली के बिलोंगिंग है वो सब जो ट्रीज में फंस गए हैं. यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली. अब जो प्रशांत है उसने डिसाइड कर लिया कि वो रेड क्रॉस शेल्टर पे जाएगा और अपनी फैमिली को ढूंढेगा. रेड क्रॉस शेल्टर, ठीक है. तो यहाँ पे क्या नाम दिया गया जिस जगह पे वो जाएगा, रेड क्रॉस शेल्टर. क्या नाम दिया गया, रेड क्रॉस शेल्टर. ओके, ये नाम क्लियर है ना सबको, रेड क्रॉस शेल्टर. ओके. अमंग द फर्स्ट पीपल ही सॉ इन द क्राउड वाज हिज मैटरनल ग्रैंडमदर. अब जो सबसे पहली चीज उसने देखी, जिस इंसान को देखा क्राउड में, वो उसकी मैटरनल ग्रैंडमदर थी, उसकी नानी थी. वीक विथ हंगर शी रश्ड टू हिम और वो बहुत ज्यादा वीक हो गई थी और हंगर की वजह से वो उसकी तरफ भागी. हर हैंड्स आउटस्ट्रेच्ड, अब उसके जो हाथ है वो बाहर की तरफ स्ट्रेच हुए. हर आईज ब्रिमिंग, और उसके आईज जो है एक अजीब सी चमक है उसमें. इट वॉज अ मिरेकल और ये एक मिरेकुलस है. दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड और जो वो हैं बहुत ही ज़्यादा मरने ही वाले थे लेकिन मरे नहीं. क्विकली वर्ड स्प्रेड एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम और जल्दी से ही उसके वर्ड्स जो हैं वो स्प्रेड हुए और उसके जितनी भी बड़ी बड़ी सी फैमिली है वो सब उसके पास आए. एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ और उसको अच्छे से गले लगा लिया. प्रशांत एंजियसली स्कैन्ड द मोटले. अब जो प्रशांत है वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी के साथ, एंजियोसिटी के साथ देख रहे हैं किसको, मोटली को. बैटर्ड ग्रुप जो है वही टाइप का. हिज ब्रदर एंड सिस्टर, हिज अंकल एंड आंट्स, दे ऑल सीम टू बी देयर और जो भी उसके ब्रदर सिस्टर अंकल आंटी सब है वो सब उसको कहाँ दिख रहे हैं, वहीं पे दिख रहे हैं. ठीक है, तो आगे चलते हैं. बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग एज ही टुक इनटू इन द डेस्परेट सिचुएशन इन द शेल्टर ही डिसाइडेड टू गेट अ ग्रिप ओवर हिमसेल्फ. अब
अगले मॉर्निंग तक उसको पता चल गया कि बड़ी सिचुएशन खराब है इस शेल्टर की, तो उसने डिसाइड किया कि वो यहाँ से चला जाए. ही सेंस्ड अ डेडली ग्रीप सेटलिंग अपॉन द 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड इन द शेल्टर. उसको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डेथली ग्रीफ होने वाली है. 86 lives were lost in the village. अब 86 लोग जो है वो मर चुके हैं. All the 96 houses has been washed away. और 96 houses जो है वो सारे टूट फूट गए हैं और वॉश हो चुके हैं पानी से. It was their fourth day at the shelter. और उसका वो चौथा दिन है शेल्टर पे. So far they have survived on green coconuts. और बहुत दिनों तक वो सिर्फ ग्रीन कोकोनट पे सर्वाइव कर रहे हैं. But they were too few to go around such a tumult of people. Tumult, ठीक है? तो लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा क्योंकि उन्हें बहुत सारे लोगों को खाना खिलवाना है. प्रशांत ऑल ऑफ 19 years, जो प्रशांत है वो 19 साल का, decided to step in as a leader of his village. अब उसने डिसाइड कर लिया कि वो इस विलेज का लीडर बनेगा. If no one else did, अगर किसी और ने नहीं किया. He organized a group of youths and elders to jointly pressurize the merchant once again to part with his rice. अब उसने कहा कि हमें प्रेशराइज करना होगा, elders और youths को मिला के कहा कि हमें प्रेशराइज करना होगा merchants को कि वो हमें फिर से थोड़ा rice दे. This time the delegation succeeded and returned triumphantly. और इस बार जो delegation है वो succeeded हुई, मतलब सही हुई. और वो जो रिटर्निंग उन्हें मिली वो भी बड़ी अच्छी थी. कैसे थे वो? ट्रायम्फेंटली. ठीक है, क्या मीनिंग होता है इसका? मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी टाइप ऑफ. वेडिंग थ्रू द रिसीडिंग वाटर्स विद फूड फॉर द एंटायर शेल्टर. और उनको पूरी शेल्टर के लिए खाना मिल गया. नो वन केयर दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रोटिंग. किसी ने भी ये नहीं ध्यान दिया कि जो चावल उन्हें मिले हैं वो पहले से ही सड़े हुए हैं. Branches from fallen trees were gathered to light a reluctant and slow fire. और जो branches हैं जो कि गिर चुके हैं trees के, उन सबको gather किया ताकि वो थोड़ी आग जला सके, bonfire की तरह use कर सके. On which to cook the rice. Bonfire की तरह भी use कर सकते हैं क्योंकि ठंड भी है यहाँ पे. But अभी उन्होंने किस लिए use किया? ताकि वो उस पर rice cook कर सके. For the first time in 4 days, the survivors at the cyclone shelter were able to fill their bellies. अब 4 दिन में एक ही पहली बार ऐसा हुआ कि जो भी बच गए सर्वाइवर्स हैं जो साइक्लोन शेल्टर में बैठे हुए हैं, जितने भी लोगों को बचाया गया है साइक्लोन शेल्टर में, तो ऐसा 4 दिन में एक ही बार हुआ है कि जो उनके पेट हैं वो स्टमक जो है उनके वो अच्छे से भर चुके हैं. His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit and floating carcasses and to tend to the wounds and fractures of the many who had been injured. अब उनका जो next task था वो था organize करना youth volunteers की team को जो कि clean करेगी shelter और जो भी filth, urine, vomit, flooding ये सब है उन सबको हटाएगी. और जो दूसरा काम वो करेंगे कि जिनको भी चोट वोट लग गई है, injuries हो गए हैं इस cyclone की वजह से, उनको वो ठीक करेंगे. तो बच्चों इसके आगे का जो ये पार्ट है ऑन द फिफ्थ डे वाला, ये जो पार्ट है ये हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. तो गाइस कैसा लगा आपको आज का वीडियो, द स्टॉर्म वेदरिंग स्टॉर्म इन द एरसामा, ये कैसा लगा आपको? और प्रशांत की तैयारियाँ, प्रशांत के जलवे आपको कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.